करूं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बयानबाजी एग्रेशन के साथ नहीं बल्कि आस्था के लिहाज से करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है और उसका जो जवाब देना है वो आस्था के हिसाब से देना है, न कि एग्रेशन के जरिए। पीएम ने अपने मंत्रियों को साथ साथ ये भी नसीहत दी है कि वो उस दिन अपने तमाम कंस्टिट्यूएंसी में रहें, अपने इलाके में रहें। जो राज्यसभा के जरिए मंत्री बने हैं उन्हें भी अलग अलग इलाका दिया गया है, वो अपने इलाके में रहें और वहाँ इस दिन कार्यक्रम के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, देश में कहीं कोई स्थिति खराब ना हो, इस चीज़ पे भी वो पूरा नियंत्रण रखें और पूरे देश भर में राममय माहौल बने और उसमें बीजेपी के तमाम मंत्री बेहतर तरीके से हिस्सा लें। और इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा है कि 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 से बीजेपी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम शुरू हो रहा है और सभी मंत्री ये एश्योर करें कि उनके क्षेत्र के मैक्सिमम लोग अयोध्या आएं और बीजेपी का जो अयोध्या दर्शन कार्यक्रम है उसके जरिए आएं और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री अपने कंस्टिट्यूएंसी के तमाम लोगों का ख्याल रखें, अयोध्या तक आने जाने की व्यवस्था करें, अयोध्या में रामलला के दर्शन में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी मंत्री अपने ऊपर लें। साथ ही ये भी पीएम ने नसीहत दी है आखिर में कि सीधे तौर पर एग्रेशन नहीं, आस्था के साथ राम मंदिर के कार्यक्रम को जोड़ना चाहिए और इस मुद्दे पर जो अनर्गल बयानबाजी है उससे मंत्री बचें तो बेहतर है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आखिरी कैबिनेट की बैठक के दिन अपने सभी मंत्रियों को कहा और सख्त हिदायत दी है कि अपने अपने क्षेत्र में मंत्री रहें और इस मुद्दे को आस्था के साथ जोड़कर आम लोगों के बीच में पहुँचे और पूरे देश भर में राममय माहौल हो। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।